कॉमर्स क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व। जो टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूएशन में है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें आपने क्या सीखा है कि जो भी फर्म के पास रिजर्व्स हैं या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं किसी भी नाम से किसी भी फर्म में, तो या तो हम उनको पार्टनर्स में सीधे बांट देते हैं, प्रॉफिट्स को उनके अकाउंट में कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और लॉसेस से उनके अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि लॉसेस उनकी क्लेम को कम कर देंगे, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका होता है कि आप रिजर्व को या जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हो कि जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना शेयर खरीद लेता है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर से, तो वो उसको अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देता है। अगर टोटल अमाउंट में प्रॉफिट आ रहा है तो वो पे करेगा और अगर टोटल में उसको लॉस हो रहा है तो फिर उसको अमाउंट रिसीव होगा। इन दैट केस सेक्रीफाइजिंग पार्टनर उसको पे करेंगे क्योंकि यहां पर लॉस की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये बताते हुए मैंने आपको एक पॉइंट स्पेसिफिकली बोला था कि जो हमारे रिजर्व है इसमें कुछ हमारे रिजर्व स्पेशल नेचर के होते हैं जो कि हम सीधे नहीं बांट सकते हैं क्योंकि उन रिजर्व्स के अगेंस्ट कुछ लॉसेस या कुछ लाइबिलिटीज हमने फोर्सी की हुई हैं, सोची हुई हैं कि शायद इनके रिलेटेड कुछ लाइबिलिटी हमारे पास आ सकती है। इनमें लाइबिलिटीज वाले जो फंड है वो है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड और कंटिजेंसी फंड, और लॉसेस के अगेंस्ट फंड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो आज हम इन दोनों को एक एक करके सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड और कंटिजेंसी फंड। अब ये वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड होता क्या है, जो इसका नाम बता रहे वर्कमैन मतलब जो आपके वर्कर्स हैं, कॉम्पेंसेशन मतलब उनको कुछ कॉम्पेंसेशन देनी है और उसके लिए आपने फंड इकट्ठा किया हुआ है, मतलब पैसा अलग किया हुआ है। सो यूजुअली क्या होता है कि जो फर्म के पास प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं या उनको फ्री रिजर्व में सिंपल रिजर्व में रख लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ आप लाइबिलिटीज को एस्टिमेट कर रहे हो सकता है कि आपके पास ये लाइबिलिटीज आ जाएं। जैसे अगर आप फैक्ट्री चलाते हो वहां पर मशीन्स हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ किसी को नुकसान हो जाता है वर्कर्स को, तो आपको उनको कॉम्पेंसेशन देनी पड़ती है। सो बिजनेसमैन उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के चलते हैं। तो क्या करते हैं, वे अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट अलग कर देते हैं और उसको इस फंड अकाउंट में डाल देते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई हमें लॉस हो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कॉम्पेंसेशन, तो हमने उसके लिए प्रॉफिट पहले से ही अलग किए हुए हैं। ये जो हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है ना कि हमें अपने अक्रूड बेसिस पे सारे एक्सपेंसेस इनकम लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लो आपका 2019-20 में पिछले साल में आपके वर्कर्स काम कर रहे थे और कुछ उसका कॉम्पेंसेशन हो सकता है, हो कुछ एक्सीडेंट हो गया उसके लिए कुछ क्लेम चल रहा है, कोर्ट में केस भी हो सकता है पेंडिंग हो, ठीक है ना। तो कुछ आपके पास कॉम्पेंसेशन के क्लेम आ सकते हैं, तो उसके लिए अब अगर मान लो आप वेट करो उसके लिए प्रोवाइड ही नहीं करो, वो क्लेम आता है अगले साल, तो क्या वो उस साल का एक्सपेंडिचर है? इट इज नॉट द एक्सपेंडिचर और लॉस ऑफ दैट ईयर, वो तो उस ईयर का था ना जब ये हो रहा था, ठीक है। तो जो वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन देनी होती है उनके एक्सीडेंट्स के लिए या किसी भी तरह के लॉस के लिए, उसके लिए हम ईयर टू ईयर प्रोवाइड करते हैं। सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एक्चुअल में है क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, ठीक है। ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये कोई लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है जिसे हमने अलग कर दिया, सेट असाइड अलग रख दिया कि चलो हमारे पास इतना प्रॉफिट है इसमें से कुछ पार्ट अलग कर देते हैं क्योंकि इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस या कुछ लॉसेस हमारे पास हो सकते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड टू मीट एनी लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स और एम्प्लॉयज, ठीक है। तो वर्कर्स को कोई एक्सीडेंट या किसी भी रीजन से अगर उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ गया तो उसके लिए हमने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग कर दिया। तो प्लीज रिमेम्बर कि ये फंड एक्चुअली, चाहे ये वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड हो या कंटिजेंसी रिजर्व हो, कंटिजेंसी रिजर्व का मतलब होता है ऐसा रिजर्व जो किसी कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए है, मतलब आपकी कुछ लाइबिलिटीज हैं जो आपकी क्रिएट भी हो सकती हैं
और हो सकता है ना भी हो, तो उनके लिए आपने एक पहले से ही प्रोविजन कर लिया, एक रिजर्व बना लिया, कंटीजेंसी रिजर्व। ठीक है, सो चाहे ये कंटीजेंसी रिजर्व हो या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हो, ये है तो प्रॉफिट का हिस्सा, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, ये प्योर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसको अलग रखने का एक पर्पज है, ये किसी लाइबिलिटी के काम आएगा। अगर कोई वर्कर से रिलेटेड, उनके एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी आएगी, तो वो लाइबिलिटी के लिए हमने ये प्रॉफिट में पहले से ही प्रोवाइड कर दिया, हमने अलग कर दिया कि इस लाइबिलिटी को इस प्रॉफिट में से मीट करने। तो ये प्रॉफिट है लेकिन प्योर प्रॉफिट नहीं है, फ्री प्रॉफिट नहीं है, इसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी का क्लेम हो सकता है, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, तो वो सिचुएशंस नहीं होंगी हमें क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो अब जब आज की डेट में जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, मैं बार बार ये टर्म क्यों यूज करती हूं, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपके डिफरेंट केसेस आते हैं। ठीक है, जिसमें एक केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस से, इन केसेस में क्या है, हर केस में चाहे ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे ये एडमिशन हो या कोई और केस हो, ये सब केसेस हमें वहां भी डील करने हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो आज की डेट में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, तो अगर आप इस रिजर्व को एज इट इज ही छोड़ देते हो, मान लो आपके पास रिजर्व का अमाउंट है, सपोज आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 50,000। ठीक है, आपके दो पार्टनर थे, वो 2:1 रेशो में पैसा बांटते थे। अब अगर कुछ नहीं करते इसका, मान लो आज की डेट में आपने 1 अप्रैल 2020 को रेशो चेंज करके इक्वल कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आज के बाद अगर कभी कोई क्लेम सेटल होता है या कुछ और आपकी लाइबिलिटी आ जाती है, लाइबिलिटी सेटल करने के बाद इसमें प्रॉफिट बच जाता है, तो आप उसे क्या करोगे उस टाइम पर, क्योंकि इक्वल रेशो होगी तो वो इक्वल बटेगा, लेकिन ये प्रॉफिट्स तो आपके पहले से अर्न किए हुए हैं ना, ये तो इस डेट को बैलेंस है जब चेंज हुआ, इसका मतलब ये प्रॉफिट्स पहले के अर्न्ड है, तो इनको इसी रेशो में एडजस्ट करना चाहिए, बट हम बार बार थोड़े ना देखते। तो इसलिए क्या होता है, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो हम इन रिजर्व्स को एडजस्ट कर देते हैं, या तो हम इनको बांट देते हैं, या फिर इसमें जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है उसकी पेमेंट कर देता है गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, उसको पेमेंट कर देनी है। तो यहां भी यही रूल चलेगा कि ये है तो प्रॉफिट ही, ये अलग बात है कि इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी हो सकती है। तो अब हमें क्या करना होगा, नंबर वन हम लेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास कितना है, जो हमारे पास अवेलेबल है, कहां पर, बैलेंस शीट में। ठीक है ना, अब आप इसको कंपेयर करो वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, जो या तो आपने एस्टिमेट की है, ठीक है, आप इस डेट को क्योंकि चेंज हो गया तो अब इसको एडजस्ट करना है, तो आप एस्टिमेट करोगे कि क्या पॉसिबल है, आप सारा सिनेरियो चेक करके या तो एस्टिमेट कर दोगे या वो डिटरमिन हो जाएगी। ठीक है, या आपने डिटरमिन कर ली, जो भी केसेस चल रहे हैं उनके हिसाब से आपने अमाउंट डिटरमिन कर लिया, मान लो उन्हीं दिनों में कोई केस जो है आपका सॉल्व हुआ है, उसकी रूलिंग आ गई है, तो अमाउंट डिटरमिन हो गया है, डिसाइड हो गया है कि लाइबिलिटी इसकी है से 30,000, या आपने एस्टिमेट किया गिवन दिस सिनेरियो कि हाँ भाई इसकी लाइबिलिटी अराउंड 30,000 या 35,000 बनेगी, तो अब आपने इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी एडजस्ट कर ली। अब इस लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद देखोगे कि प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता है, तो इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करोगे, यहां पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर वन है कि अगर आपकी लाइबिलिटी जो है, चाहे वो एस्टिमेटेड हो या डिटरमिंड हो, ये कम है रिजर्व से, ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट बच गया, आपका रिजर्व में प्रॉफिट बच गया। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट बच गया उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा रूल है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग पार्टनर्स। और दूसरा केस क्या है, अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है रिजर्व से, मतलब आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ था सपोज 50,000 का, बट आपकी लाइबिलिटी सेटल होके आ रही है 75,000, ये तो ज्यादा है, तो अब आपको और पे करना पड़ेगा, तो क्योंकि आपका क्लेम या उसकी लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा सेटल हो गई है, तो इसका मतलब रिजर्व में कुछ बचा, इज प्रॉफिट लेफ्ट, तो कोई प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट तो नहीं बचा,
तो ठीक है, हमें कुछ नहीं बांटना, हम बांट नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट बचा नहीं, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा लाइबिलिटी जो बन गई उसका क्या करेंगे? अब ये लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो जो हमारे फर्म की एसेट्स या लाइबिलिटीज जो रीवैल्यू हुई हैं, जो दोबारा से चेंज हुई हैं, इनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है एक सेपरेट अकाउंट कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। सो जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है हमारी, उसको आपको कैसे सेट करना पड़ेगा? उसको एडजस्ट करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आपके क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और भी एसेट्स लाइबिलिटीज हो जो कि रीवैल्यू हो रही हैं, तो उनको भी रीवैल्यू करेंगे, और उनको रीवैल्यू करने के बाद आप रीवैल्यूएशन का जो फाइनल प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो पार्टनर्स में एडजस्ट करोगे या ट्रांसफर करोगे। तो एक्स्ट्रा जो लाइबिलिटी बन गई वो रीवैल्यूएशन में जाएगी, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एसेट्स लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के लिए। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट और लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग पार्टनर्स, ठीक है? तो ये जो इतना हमें जो स्टेप्स उठाने हैं, ये हमें कब करने हैं? जब हमारी लाइबिलिटी रिजर्व से ज्यादा है। तो अगर लाइबिलिटी रिजर्व से ज्यादा नहीं है तो हमें सिर्फ ये करना है कि जितना प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर्स में बांट दो। अब लाइबिलिटी रिजर्व से कम है, इसके केसेस क्या क्या हो जाते हैं? इसमें केसेस ये हो जाते हैं, नंबर वन है नो इन्फॉर्मेशन गिवन। अगर आपके क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, ठीक है, कि इससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है या नहीं है, कोई क्लेम है या नहीं है इस रिजर्व के अगेंस्ट, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड के अगेंस्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हो गया कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सारा रिजर्व, इसका मतलब सारा रिजर्व, सारा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकेंड केस क्या हो जाएगा कि आपको क्लियरली गिवन है, क्वेश्चन जो आपका है वो मेंशन करता है कि देयर इज नो लाइबिलिटी और क्लेम, कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है? उस केस में भी, क्योंकि हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, इट इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूट होल रिजर्व, तो इसमें फुल अमाउंट जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है? अब तीसरा केस क्या हो जाता है कि आपको लाइबिलिटी दे रखी है बट लाइबिलिटी कम है रिजर्व से। लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज लेस देन रिजर्व, ठीक है? अगर ये रिजर्व से कम की लाइबिलिटी है तो आप क्या करोगे, आप क्रिएट करो लाइबिलिटी दैट इज क्लेम और प्रोविजन। इस लाइबिलिटी के लिए आप प्रोविजन या क्लेम को क्रिएट करो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो बैलेंस एज प्रॉफिट। तो बाकी का जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट बच गया, तो उसको आप पार्टनर्स में बांट दो। तो ये यहां पर तीन केसेस बन जाएंगे जब आपकी लाइबिलिटी जो है रिजर्व से कम है और रिजर्व पार्टनर्स में एज अ प्रॉफिट बटेगा। और यहां पर एक ही केस है कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा है रिजर्व से। सो इन ऑल हम क्या कह सकते हैं कि देयर आर फोर केसेस, ठीक है? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व को डील करने के लिए वी हैव फोर केसेस, लेट अस स्टडी देम। यही जो केसेस है इनको एक टेबुलर फॉर्म में हम स्टडी कर लेंगे और उनकी वर्किंग देख लेंगे। ओके, सो इन वर्किंग फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड और कंटीजेंसी फंड, फंड भी हो सकता है, रिजर्व वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो जो भी टर्म यूज किया हम वो एज इट इज ही रखेंगे। तो इससे रिलेटेड हमें गिवन क्या होगा, हमें गिवन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का अमाउंट गिवन है, ये बैलेंस शीट में गिवन होगा, ठीक है? अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और केसेस आपको डेवलप करने हैं। पहला केस क्या हो सकता है, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका इफेक्ट क्या हो गया, इट इम्प्लाइज देयर इज नो लाइबिलिटी। हम ये मान के चलेंगे कि इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि हमें बताया ही नहीं है, है ना? तो अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है, बस यहां पर ये है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने ये एजम्पशन मान ली है
क्योंकि अगर कुछ होता तो बता देते ना. सो यहां पर कोई लाइबिलिटी नहीं है. दैट इज फुल अमाउंट ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड. में एक नाम यूज कर रही हूं बट इसमें कंटीजेंसी फंड या रिजर्व भी आ सकते हैं. फुल अमाउंट इज योर प्योर प्रॉफिट. ये पूरा प्रॉफिट ही है क्योंकि अब लाइबिलिटी ही नहीं है. सो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड. आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में. तो क्योंकि ये प्रॉफिट है तो जब पार्टनर्स में बटेगा तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ये हमेशा याद रखो, कैपिटल और करंट एक फिक्स्ड में आता है और एक फ्लक्चुएटिंग में आता है. वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड जो है ये आपका जो बैलेंस दे रखा है वो लेंगे और उसको किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो या एग्जिस्टिंग रेशो में. सो बीइंग द वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड. सेकेंड केस, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, वी आर गिवन, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. मतलब इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है. ठीक है, उस केस में क्या होगा, सेम, क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है तो यहां पर सेम ही इफेक्ट हो गया. यहां हमने एजम्पशन मानी थी केस वन में क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था और यहां क्लियरली हमें यह बता दिया. सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, आपको एज इट इज मान लेना है कि क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है तो ये पूरा अमाउंट हमारा प्रॉफिट है, उसे पार्टनर्स में बांट दो, तो सेम एंट्री हो जाएगी. ठीक है, अब थर्ड केस क्या है, इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि देयर इज अ लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, कि कोई लाइबिलिटी है. अब ये लाइबिलिटी दो केसेस में हो सकती है, एक तो ये है कि आपने लाइबिलिटी एस्टिमेट की है, ठीक है, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, आपने लाइबिलिटी डिटरमिन कर लिया है, क्लेम डिटरमिन कर लिया है. अब ये अलग अलग करेंगे बट पहले एस्टिमेट समझ लो. अगर लाइबिलिटी एस्टिमेटेड है कि आपके इतनी लाइबिलिटी इसके अराउंड बन रही है, बट साथ में कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो आपने लाइबिलिटी इसमें ली है वो कम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से, तो फंड ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो अब आप क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में से जितनी लाइबिलिटी आपने सेटल की या जितनी लाइबिलिटी है, ये जो बाकी का अमाउंट बच गया ये प्योर प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है जो आप पार्टनर्स को दे दोगे. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट को डेबिट किया, फंड क्लोज हो गया, इसके अगेंस्ट क्या हो गया, आपके पास आ गया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी. ठीक है, आपने उसके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लिया. ओके, सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी या इसको क्लेम भी कहते हैं. ठीक है, ये फुल अमाउंट है. अब ये जो लाइबिलिटी आपने एस्टिमेट की वो आ जाएगी इसके अगेंस्ट, बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में बट जाएगा. तो जो बैलेंस है, जो डिफरेंस बच गया, क्योंकि अब डिफरेंस यही बचेगा ना, आपका रिजर्व ज्यादा था लाइबिलिटी कम थी, तो जो डिफरेंस बच गया वो ओल्ड रेशो में, एग्जिस्टिंग रेशो में पार्टनर्स में बांट दोगे. बीइंग द लाइबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिकॉर्डेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. ठीक है ना, अब इसका लास्ट केस क्या है, जो अभी हमने फोर्थ केस समझा था, वो क्या था, हमें गिवन है लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी गिवन है जो कि आपकी एस्टिमेटेड भी हो सकती है या आपकी ये लाइबिलिटी सेटल्ड और आपकी लाइबिलिटी डिसाइडेड और डिटरमिंड भी हो सकती है. या तो अभी एस्टिमेट किया है या उसको आपने डिटरमिन कर लिया है. ठीक है, ये दो चीजें होती हैं. अभी मैं सिर्फ एस्टिमेट की बात करूंगी कि एस्टिमेट किया है तो आपने प्रोविजन कर दिया. ठीक है, अगर आपकी लाइबिलिटी एस्टिमेट हुई है तो लाइबिलिटी क्लियर नहीं है तो उसके लिए सिर्फ प्रोविजन बनाया जाएगा.
अब यहां पर क्या हो रहा है, ये इसका रिवर्स केस है। अब क्या है, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अब आपका लाइबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है फंड से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी हमारी लाइबिलिटी ज्यादा है फंड के अमाउंट से, वो हमारी क्या बन जाएगी, एडिशनल लाइबिलिटी। तो जितनी भी हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज नई क्रिएट होती हैं या बनती हैं, इनको हमें किसके थ्रू एडजस्ट करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो यहां पर क्या हो गया, देयर इज नो प्रॉफिट लेफ्ट, प्रॉफिट नहीं बचा, तो प्रॉफिट नहीं बांट सकते। उल्टा क्या हो गया, लाइबिलिटी ज्यादा आ गई है, तो जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आपकी बनी है उसको आप एज अ रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी ट्रीट करते हो, राइट। क्योंकि आपने ये रिजर्व किस लिए बनाया था, कि अगर इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी होगी तो इसमें मीट कर लेंगे। तो रिजर्व तो उतना ही यूज हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो कहीं नहीं जा सकते। तो अगर रिजर्व यूज हो रहा है तो ठीक है, जितना यूज हो गया आप यहां पे बाकी का जो बच गया उसको एज अ प्रॉफिट बांट दोगे, और अगर ज्यादा है तो उसको फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी मानेंगे। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट किया फुल अमाउंट से, इसके अगेंस्ट आपने जो लाइबिलिटी एस्टीमेट की है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम और लाइबिलिटी, ये जो लाइबिलिटी अमाउंट गिवन है ये लिया, अब डिफरेंस यहां पर आएगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है। तो जब ये आप बैलेंस शीट एंट्री बनाएंगे तो डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, और ये क्या मान लिया जाएगा, रिवैल्यूएशन में एज अ लॉस, क्योंकि अब आपका रिजर्व कम पड़ गया तो अब नुकसान हो रहा है। लेकिन ये नुकसान पार्टनर को सीधे नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी भी एसेट्स और फ्रेश लाइबिलिटीज वगैरह आ रही हैं उनको हमें रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट करना होता है। वैसे रिवैल्यूएशन का पॉइंट नेक्स्ट है, जो इसके अगले पॉइंट आप स्टडी करेंगे, बट क्योंकि ये इसका पार्ट हो जाता है तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रॉफिट का हिस्सा अलग किया था। तो जब हम प्रॉफिट का हिस्सा अलग करते हैं उसमें लॉस नहीं दिखा सकते। तो अगर लॉस बन गया, अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा बन गई तो उसको एज अ लॉस नहीं बांट सकते, उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू करना पड़ेगा। अब ये रिवैल्यूएशन में चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यू विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें और भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो जितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट है वो बना के फिर जो रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट आएगा उसे ट्रांसफर करेंगे या बांटेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में आप एज अ रिवैल्यूएशन लॉस डाल सकते हो, जो लॉस आया रिवैल्यूएशन का, और अगर प्रॉफिट आया तो रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री फॉर प्रॉफिट। बट अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक केस इसी का डील कर रहे हैं तो यहां पे तो सिर्फ लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं आ सकता। बट अदरवाइज अगर आपके पास मान लो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, आपने कुछ और एसेट्स भी रिवैल्यू की, तो किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस, तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी आ सकता है लॉस भी आ सकता है। लॉस होगा तो पार्टनर्स में डेबिट, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में क्रेडिट, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो हमने ना यहां पे जब हमारी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, अगर लाइबिलिटी बढ़ गई तो उस केस में जितना अमाउंट ज्यादा है लाइबिलिटी का उसे रिवैल्यूएशन के थ्रू ले जाके फिर पार्टनर्स में बांटेंगे। बट अगर आपकी लाइबिलिटी आपके रिजर्व के विद इन दी रेंज है, आपने रिजर्व 50,000 प्रोवाइड किया बट आपकी लाइबिलिटी उतने तक ही है या उससे कम है, तो उस केस में क्या, आपका प्रॉफिट बच जाएगा, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे। जितनी लाइबिलिटी आई वो लाइबिलिटी में डाल दिया, बाकी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अब यहां पर आप अगर बुक पढ़ते हो तो आपके पास पांच केसेस बना रखे हैं। फिफ्थ केस क्या है, जब आपकी लाइबिलिटी और ये इक्वल है ना। अब ये लॉजिकल सी बात है, अगर आपका लाइबिलिटी और ये इक्वल हो जाएंगे तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो ये चीज बचेगी नहीं। ये तो हम लॉजिकली ले सकते हैं ना कि अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंपल हमारी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी आ जाएगा फुल अमाउंट। तो उस केस में आपका कुछ भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, तो सिर्फ ट्रांसफर होगा, राइट। अब आते हैं ये जो मैंने दो केसेस लिखे, एस्टिमेटेड एंड डिटरमिंड लाइबिलिटी। अब अगर आपकी लाइबिलिटी डिटरमिन हो चुकी है, सेटल हो चुकी है, तो उस केस में क्या है, एंट्रीज तो यही है बट एक नाम का फर्क होगा। जहां हमने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन का मतलब था प्रोवाइड किया लाइबिलिटी के लिए, कि ऐसी कोई लाइबिलिटी हो सकती है सो
क्रिएटिव प्रोविजन, बट यहां आपने लाइबिलिटी एस्टिमेट ने डिटरमिन कर ली है। तो अब डिटरमिन होने के बाद फिर आपको यहां पर प्रोविजन टर्म नहीं लिखनी होगी, आपको यहां पर क्या टर्म लिखनी होगी, इसकी जगह पर आप लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट आप लिखेंगे प्रोविजन की जगह। तो यहां जो आपने प्रोविजन वर्ड है उसको हटा दोगे, आप सीधे लिखोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम और वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट। तो नाम में हल्का सा चेंज है क्योंकि अब सिचुएशन क्या है, हमारी लाइबिलिटी डिटरमिन हो चुकी है। तो अगर आपकी लाइबिलिटी एस्टिमेटेड है तो एस्टिमेटेड में हम बनाते हैं, एस्टिमेट के साथ क्या टर्म जाएगी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है, आपने प्रोविजन किया वर्कमैन कॉम्पनसेशन के क्लेम के लिए, सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम और लाइबिलिटी। बट अगर ये डिटरमिन हो गई है, डिटरमिन का मतलब अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, अमाउंट क्लियर है, सो आप इसे सीधे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम और लाइबिलिटी अकाउंट में डालोगे, सो एंट्री में एक हल्का सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज याद रखो, इसको चार स्टेटमेंट्स या फोर फाइव केसेस की तरह मत रटो, आपको सिर्फ एक क्लियर बाइफर्केशन करनी है कि मेरा रिजर्व इस लाइबिलिटी को मीट करने के लिए सफिशियंट है या नहीं है। अगर लाइबिलिटी उससे ज्यादा हो चुकी है तो रिवैल्यूएशन की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है, जो डिफरेंस है उसे रिवैल्यूएशन में डालो और रिवैल्यूएशन के थ्रू प्रॉफिट लॉस बांटो। लेकिन अगर आपका रिजर्व सफिशियंट है लाइबिलिटी के लिए, मतलब या तो लाइबिलिटी उससे कम है, क्या उसके इक्वल है, या लाइबिलिटी है ही नहीं, तो अगर इससे कम है तो उस केस में क्या है, जितनी लाइबिलिटी है उतनी लाइबिलिटी बनाओ, बाकी आपको पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डाल देना है। तो जब लाइबिलिटी आपकी है ही नहीं तो सारा पैसा पार्टनर में चला जाएगा, और जब आपकी इक्वल लाइबिलिटी हो जाएगी तो पार्टनर में कुछ नहीं जाएगा, सीधे आपका प्रोविजन में पैसा चला जाएगा। तो इसको लॉजिकली समझो और फिर ये आपको याद रहेंगी। So I hope it makes sense to you. So you can learn this, keep practicing and learning and stay smiling. Thank you.